बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और बैठ सुबह उठ रहा हूँ, आप देखना शुरू कर चुका है भेटघाट पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा फैसला लिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज विरोधियों को उस बात का जवाब दिया जो अक्सर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अपने आवास से बाहर ही नहीं निकलते। आज इस बात का खुद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी जिक्र किया और मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मैं अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, इसका उन्होंने जवाब दिया। और इसका उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी। हम आपको सुनाएंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का बयान, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो विरोधी है वो ये कहते हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है और क्यों नहीं आती है, इस बारे के जवाब है वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं, लेकिन पूरे देश भर का काम मुझे देखना पड़ता है, इस वजह से मुझे इतना समय भी नहीं मिल पाता कि मैं किसी की बात कर पाऊं, किसी से मिल पाऊं। तो क्या कुछ बहन जी ने कहा, सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनके मामलों को ज्यादातर दबाने का ही प्रयास करती रही है, लेकिन उनके मीडिया में उजागर होने खाना पूर्ति ही की जाती रही है और अभी भी की जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता इनकी इस कार्यशैली व खराब कानून व्यवस्था से लगातार काफी दुखी व परेशान ही हमें नजर आ रही है। ऐसे में इनकी मदद के लिए मेरा हर घटना स्थल पर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा यूपी में खराब है, हर प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था तो एक प्रकार से यूपी में दम तोड़ चुकी है, बहुत खराब हालत है और आए दिन बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर जुर्म जाती हो रही है, चोरी है, डकैती है, लूटमार है, हत्या है, महिलाओं के साथ बलात्कार है, ये आदि घटनाएं एक आम हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं वर्तमान में, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी हर जिले के अंदर कोई ना कोई घटना ना होती हो, बहुत बुरा हाल है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को अभी मेरी हुकूमत याद आ रही है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो लेकिन जो वर्तमान में भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था बुरी तरीके से दम तोड़ चुकी है, हर प्रकार का अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में यूपी की जनता ये चाहती है कि भी बहन जी हर स्थल जहां पर भी ये घटना घटती है तो हर जगह वो आए। ऐसे वर्तमान हालातों में उनकी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए मेरा हर घटना स्थल पर जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी पार्टी संगठन का कार्य देखने के साथ ही सभी राज्यों में भी मुझे खासकर कमजोर वर्गों के ऊपर आए दिन हो रही जुर्म जाति के मामलों में भी काफी पैनी नजर रखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के वर्तमान में चल रहे जंगल राज से दुखी व पीड़ित जनता के हितों में आवाज उठाने व उन्हें न्याय दिलाने के लिए तथा इस मामले में सरकार पर कुछ हद तक अंकुश लगाने के लिए भी यहां उत्तर प्रदेश के बीएसपी के कुछ वरिष्ठ लोगों को प्रत्येक समाज के हिसाब से आज उनको न्याय दिलाने के लिए आज उनको अधिकृत किया जा रहा है।